हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज फर्नेस क्रीक इन डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए, जिसका 10th जुलाई 1913 एक सदी पहले दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया था वो 56.7 सेंटीग्रेड था। यही नहीं, अभी और सुनिए। और जी पाकिस्तान की हॉटेस्ट सिटी जेकाबाद का जो दर्जा हरारत होता है वो मोस्टली 50 से 52 सेंटीग्रेड तक रहता है। कैन यू इमेजिन कि हम किस तरह से ऐसी गर्मी में जिंदा रहते हैं। और जी ऐसी कड़क गर्मी में ना सिर्फ रहते हैं बल्कि बहुत खुश रहते हैं, कुकिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, धूप में निकलते हैं, काम करते हैं। और जी सबसे बड़ा जुल्म तो यह है कि लाइट भी यहाँ बहुत कम होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रॉब्लम है कि वो कम ही नज़र आती है। तो जनाब यहाँ हमारी मॉर्निंग का स्टार्ट हो गया था, ये थोड़ी सी गपशप थी अबाउट गर्मी, क्योंकि मई का मंथ चल रहा है और ये जो लू स्टार्ट हो गई है ये तो समझे बस इंसान को बीमार ही कर देती है। बहरहाल प्रिकॉशंस ले रहे हैं इस हिसाब से बहुत ज़्यादा। और यहाँ जी मॉर्निंग का टाइम है, हमारी चाय पक गई है और हमने भिंडियाँ फ्राई कर ली हैं और पराठे भी बन गए हैं। और भिंडियों की जो फ्राई करने की रेसिपी थी वो आपने देख ली होगी, ऑलमोस्ट सभी ऐसे ही करते हैं। लेकिन इसका जो स्पेशल मैं आपको एक पॉइंट बताऊँ वो ये होता है कि यहाँ जब आप इसको फ्राई करें ना तो हल्के नमक में इसको अच्छा खासा गला कर और लास्ट में चिली फ्लेक्स डालें और उसके बाद तेज़ आंच पर इसको थोड़ा सा पकाएं। ये इतनी मज़े की और टेस्टी बनती हैं कि क्या बताऊं। और जी हाँ, हमारा गैस चला गया था और फिर मैंने सिलेंडर निकाला और उसके बाद उसको फाइनल टच दिया। और यहाँ देखिए ये मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, अब इसको तेज़ आँच पर पकाऊँगी तो क्या यमी बनेंगी। और इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करके पराठे के साथ खाएँ, चाय के साथ खाएँ, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों के दिन भी बहुत बड़े होते हैं तो जी नाश्ता तो बहुत ज़रूरी है, इसलिए सबको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि नाश्ते के बाद घर से ना निकला करें। और हमने भी अपना टाइट सा नाश्ता किया, बर्ज़ा मैंने और उसके पापा ने, पापा तो उनके चले गए और बर्ज़ा और मैं स्कूल आ गए हैं। और यहाँ जी देखिए स्कूल बिल्कुल खाली है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए हैं और उनको छुट्टियाँ हो गई हैं। और हाय रहिए टीचर बेचारे मज़लूम हमारे सिंध के, तो जी वो तो ज़रूर स्कूल जाते हैं भले बच्चे आए या ना आए, लेकिन वो अपने बच्चे ही लेकर आते हैं फिर हम उनके साथ ही इंजॉय करते हैं। तो हाँ जी ये भी एक छोटा सा प्यारा बेबी है हमारे एक टीचर का। और यहाँ हम सब बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आपस में गपशप करते हैं, खाते पीते हैं और जी बच्चे भी खेलते रहते हैं। और उसके बाद जब गर्मी में वापस आते हैं तो आपके साथ ये भी शेयर करूँ कि आज तक जो है दही में अपनी ही बनाती हूँ और उसके बाद इसका ठंडा ठंडा लस्सी बनाकर हम ज़रूर पीते हैं। और ये पीना भी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि इस कदर जो लू लगती है इंसान को तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जिस्म जो है वो ठंडा रहे। तो कोशिश करें कि ठंडी ठंडी लस्सी पिएं, हेल्दी भी है बजाय इसके कि अक्सर लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो हेल्दी भी है और ये है कि आपके जिस्म की गर्मी भी कम कर देगी। तो यहाँ जी मैंने अपने लिए और बर्ज़ा के लिए छोटा सा गिलास बनाया और जी बर्ज़ा यहाँ देख कर काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसको भी बहुत गर्मी लगती है। बस ये इंतज़ार हो रहा है कि वेकेशन स्टार्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं घूमने के लिए बंदा निकल जाए, ऊपर से ईद भी आ रही है और ईद की भी तैयारियां करनी है। लेकिन ये है कि जिस तरह से बच्चे शिद्दत से वेट करते हैं वेकेशंस का, मुझे लगता है टीचर्स उसे ज़्यादा वेट करते हैं। और जी मज़े की बात यह है कि रिसर्च बताती है कि गर्म सिटीज़ में रहने वाले लोगों के जो दिमाग होते हैं उनका टेम्परेचर भी काफ़ी हाई रहता है। तो बजाय इसके कि अपना टेम्परेचर हम बिल्कुल हाई करें, कोशिश करें कि अच्छी अच्छी बातें अपने आदतों में शामिल कर लें ताकि हमारा टेम्परेचर हाई ना रहे और जो झगड़े और लड़ाइयाँ कम हों। इसके लिए बहुत ज़रूरी है काम एंड कूल रहें और जी अपनी ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ज़्यादा गर्मी में बाहर ना निकलें। और अगर निकलना है थोड़ा तफरी के लिए तो हमारी तरह बिल्कुल ठंडा मौसम करके शाम के टाइम निकलें ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए और अच्छी तरह से आप अपना टाइम भी स्पेंड करें। तो हम जी यहाँ पर निकल गए थे थोड़ा सा बर्ज़ा को घुमाने फिराने और ये देखिए कि बिल्कुल विलेज टाइप एरिया है और मौसम अच्छा हो गया था शाम के टाइम, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए और हमारे लिए भी ख़ास तौर पर, क्योंकि हम जॉब से आ जाते हैं और उसके बाद काम भी करते हैं, रेस्ट भी करते हैं और उसके बाद थोड़ी सी आउटिंग भी ज़रूरी है। तो जनाब यहाँ पर हम जा रहे हैं, हमारी बहुत ही एक फ़ेमस पार्क है जहाँ पर बच्चा को तो एंजॉय करना ही है, हम भी थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। और मैं तो ख़ास तौर पर अपनी हरकतें थोड़ी बहुत करके, जबकि अपने हस्बैंड से भी थोड़ी बहुत डांट खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बड़ा ही मज़ा आता है।
पार्क में एंटर होने से पहले हमने सोचा कि एक ढाबे पर थोड़ी सी चाय पी लेते हैं ताकि मूड फ्रेश हो जाए, और शाम की चाय तो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जी हम आ गए थे चाय पीने, क्योंकि उसके बाद जब पार्क में एंटर हो जाएंगे तो एंटर तो हो जाते हैं लेकिन मर्ज़ा वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेती है। और उसके पापा को तो ऑलवेज़ जो है मोबाइल पर ही बस पता नहीं क्या गपशप ही होती है, और एक तो मैं बलोची समझती नहीं और वो भी बातें करते जाते हैं लंबी लंबी। मर्ज़ा के पापा को किया हमने जस्ट इग्नोर और हमने किया चाय को इन्जॉय, क्योंकि उसके बाद हम एंटर हो गए थे पार्क में और मर्ज़ा की वहाँ पर हो जाती है दादागिरी शुरू। हर एक को झूले से उतार कर उसी पर चढ़ती है और उसके बाद उससे बोर हो जाती है। अब ये बताना मुश्किल है कि बचपन में मर्ज़ा के पापा ऐसे गुंडे थे या मैं गुंडी थी, मुझे पता नहीं है, लेकिन मर्ज़ा तो अच्छी खासी है जो हर एक से टक्कर लगा कर आ जाती है। और जी यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत हाई था, क्योंकि ये जो बच्ची झूला झूल रही है ये भी इसी टाइप की थी, क्योंकि ये भी अकलौती थी और मर्ज़ा भी अकलौती है। और जी उसके बाद वो जीत गई और मर्ज़ा हार गई थी फाइनली। फिर यहाँ आकर बड़ी बच्चियों के साथ लड़ रही थी, और जी मैंने सोचा कि अच्छा है इसको भी थोड़ा टफ टाइम मिले ताकि इसको पता चले कि दुनिया में सिर्फ जीत भी नहीं होती है, हार भी होती है। बहुत ज़्यादा पसीना आ जाने की वजह से बॉडी काफ़ी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ठंडे मशरूबात यूज़ करें, मतलब ठंडे से मुराद जिनकी तासीर ठंडी हो, ज़्यादा बर्फ़ वगैरह की बात नहीं कर रही मैं। और उसके अलावा वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, इनका भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्मी में कम बाहर निकलें और कोशिश करें कि अपनी सेहत का और अपने बच्चों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होती हैं। अरे इसको देखकर व्लॉग छोड़कर मत जाइएगा, ये जस्ट मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इसके बारे में हमने ज़रूर बात करनी है, क्योंकि गर्मियों में ये हर तरफ आपको अपने घरों में नज़र आएंगी, बल्कि आप कहीं भी जाएंगे आपको ये बहुत बड़ी तादाद में नज़र आती हैं। जी हाँ, छुपकलियों से होते हैं हम परेशान गर्मियों में। तो एक ज़बरदस्त सी रेमेडी बताती हूँ आपको, उससे पहले आप देख लें कि जब हमारे घर में कोई भी केक आता है तो ज़रूरी होता है कि मर्ज़ा उसमें अपनी बर्थडे जो है सेलिब्रेट करती है, तो हम भी एवं ही मज़ा कर लेते हैं। और यहाँ हम आ गए थे साइंस एग्जीबिशन में, यहाँ पर वाटर सेविंग के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, हमारे स्कूल ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये वाले क्लिप्स आप देखते रहें क्योंकि हम यहाँ पर सब मौजूद थे और मैंने रिकॉर्डिंग की थी जस्ट आपके लिए। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे अपने कि घरों से किस तरह से छिपकली को भगाएं, तो उसके लिए टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ, बहुत ही ईजी, वो भी सिर्फ दो चीज़ों से जो कि हमारे घरों में ऑलरेडी मौजूद होती हैं। एक होते हैं नेफ्थलिन्स के बॉल्स होते हैं, जो आप सर्दियों या गर्मियों में जब आप कपड़े रखते हैं तो उसमें ज़रूर ऐड करते हैं, और दूसरा होता है डिटॉल जो कि हमारे पास ऑलरेडी घर में रखा हुआ होता है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें, नेफ्थलिन के बॉल्स को आप थोड़ा क्रश कर लें और उसमें एक स्प्रे बॉटल में डाल दें, और उसके बाद दो चम्मच नेफ्थलिन के पाउडर के डालें और चार जो है चम्मच एटलीस्ट आप डिटॉल के डालें, एक गिलास पानी डालें और उसको अच्छी तरह से शेक करने के बाद अपनी दीवारों पर लगाएं, सीलिंग पर लगाएं, हर तरफ लगाएं, छिपकलियाँ मर जाएंगी और भाग जाएंगी और आपको इंशाल्लाह कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि मुझे तो बड़ी ही घिन आती है छिपकली से। तो जी आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, ये एक सुपर इफ़ेक्टिव जो है टिप है, आप करें और मुझे ज़रूर भी शेयर करें, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको इसका बेनिफिट लगा और किस तरह से आपने यूज़ की। और जी अगर इसके अलावा भी चाहते हैं तो मेरी पिछले की वीडियोस में आपको एक पूरा मुकम्मल वीडियो मिलेगा छिपकली को भगाने का तरीका, तो अगर आप वहां सर्च करें तो आपको पूरा वीडियो जो है बनकर भी मिलेगा, मैं बनाकर आपको दिखा रही हूं, वो भी आप देखिएगा वो, लेकिन दूसरा है आप उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा और मुझे बताइएगा भी। तो इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का करूँगी एंड, और जी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।